या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्र घंटा रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज है नवरात्र का तीसरा दिन और मैं पूजा कर रही हूँ माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की। माँ के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माँ को चंद्र घंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। और आज की जो पूजा है ना, तो आज माँ के रूप की पूजा करेंगे ना तो मन को बहुत शांति मिलेगी। तो चलिए पूजा शुरू करती हूँ और माता रानी के बहुत सुंदर भजन के साथ। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है यह सोच के आती है। पहले नवरातों में माँ सबकी खबर लेती, दूजे नवरातों में अपने खाते में लिख लेती। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में दूजे नवरातों में अपने खाते में लिख लेती। तीजे नवरातों से बात आगे बढ़ाती है, चौथे नवरातों में मासन लगाती है, चौथे नवरातों में मासन लगाती है, पांचवे नवरातों में माँ गई बताती है, छठ नवरातों में सबको दर्शन देती। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में सातवें नवरातों में खोल देती खजाने हैं, आठवें नवरातों में लग जाती लुटाने हैं, आठवें नवरातों में लग जाती लुटाने हैं, नवें नवरातों में दोनों हाथों से लुटाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, दसवें दिन माता की विदाई जब आती है, दसवें दिन माता की जब विदाई की घड़ी आती, सारे धरती के लोगों की आंखें भर जाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, दसवें नवरातों में। और अब आरती कर लेती हूँ। और ये गाना ना मुझे अंदर से बहुत मार्मिक कर गया, क्योंकि इसी नवरात्र में मेरी माता श्री जो है ना छोड़ के भगवती ने अपने चरणों में स्थान दिया था, ठीक नवरात्र के दिन और विजयदशमी के दिन उनका जो है ना, मतलब समझिए कि एक तरह से पूजा पाठ करके सोई की सोई रह गई यही नवरात्र में। और ये गाना मतलब गाती हूँ ना तो बहुत अंदर से रोना भी आ जाता है, लेकिन माँ में ही मम्मी निहित है, तो नवरात्र में बहुत विशेष करके मुझे माँ में बहुत आस्था हो जाती है। और यहाँ पर आरती करने के बाद फिर मैं कल चौथे स्वरूप की पूजा के साथ फिर मैं अपना ब्लॉग लेकर के आऊँगी।